Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर चुके हैं जिसका हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट। आज हम उसी टॉपिक से आगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक टू पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में हम डायरेक्ट करंट पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट करंट के लिए हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक टू पीक और आरएमएस वैल्यू डिस्कस नहीं की थी। क्यों नहीं डिस्कस हम करते हैं डायरेक्ट करंट के लिए ये वैल्यूज़, ये हम पहले जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें डायरेक्ट करंट के लिए जो हमारे पास ग्राफ है वो कुछ इस तरह का था, ये लास्ट टाइम हम बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे ग्राफ के लिए अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेक करें तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है 8 एम्पेयर। देखें अगर मैं इस इंस्टेंट पे चेक करता हूँ तो 8 एम्पेयर, अगर हम इस इंस्टेंट पे चेक करते हैं तो 8 एम्पेयर, अगर इस इंस्टेंट पे चेक करते हैं तो भी क्या आ रही है 8 एम्पेयर आ रही है। तो इस तरह से जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट करंट यहाँ पे आ रही है वो कितनी है 8 एम्पेयर। उसके बाद अगर मैं पीक वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट करंट यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो वो भी मेरे पास क्या है 8 एम्पेयर। उसके बाद अगर मैं एवरेज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ तो वो भी मेरे पास कितनी आएगी 8 एम्पेयर। तो इसका मतलब अगर मैं ये इंस्टेंटेनियस पीक और एवरेज देखूँ तो वो मेरे पास एक ही वैल्यू आ रही है 8 एम्पेयर। तो मेरे पास अगर डायरेक्ट करंट में एक ही वैल्यू आ रही है तो इसीलिए मैंने ये इंस्टेंटेनियस पीक या एवरेज डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट ही एक ही था जो कि कॉन्स्टेंट था, इसीलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था इंस्टेंटेनियस में, पीक में या एवरेज में। लेकिन आज का जो हमारे पास एसी सिग्नल है या एसी अल्टरनेटिंग करंट है उसके ग्राफ में या सिग्नल में हमने देखा था कि हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, पहले आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिनिमम होते होते ज़ीरो, फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है रिवर्स हो गई है। तो इस तरह से इस ग्राफ में वैल्यूज़ क्या हो रही है चेंज, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूँ कि इस इंस्टेंट पे जो वैल्यू होगी मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो यहाँ पे होगी तकरीबन, अगर मैं इस इंस्टेंट पे देखना चाहता हूँ तो वो तकरीबन यहाँ पे बनेगी। तो हर इंस्टेंट पे वैल्यू क्या हो रही है चेंज। तो इस तरह से किसी भी इंस्टेंट पे आप चेक करेंगे तो आपको उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जो मैग्नीट्यूड मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी हर इंस्टेंट पे। तो इसका मतलब इस एसी ग्राफ में या सिग्नल में या अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम ये इंस्टेंटेनियस पीक या पीक टू पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू डिस्कस करते हैं क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है चेंज आ रहा है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसी ग्राफ के मुताबिक यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पीक और पीक टू पीक वैल्यू डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या डिफाइन करेंगे हम, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज, आप वोल्टेज या करंट में से किसी एक की बात कर सकते हैं, हमने यहाँ पे करंट को डिस्कस किया है। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज दैट एग्जिस्ट इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो किसी भी आप इंस्टेंट पे जो वैल्यू लेंगे वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट होगी, किसी भी लम्हे आप चेक करेंगे तो उस लम्हे पे जो भी वैल्यू होगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी करंट की। इसी तरह पीक वैल्यू क्या है, दी हाईएस्ट आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग अ साइकिल। ये हमने एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे बनाया जिसमें आपके पास ये जो पॉजिटिव लूप में हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है करंट की, वो यहाँ पे बन रही है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, पीक वैल्यू का नाम देंगे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, इसके ऊपर देखें करंट की वैल्यू नहीं जा रही, यहाँ पे आखिरी हद है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की इसे हम पीक वैल्यू का नाम देंगे, और पीक वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से, अगर करंट होगा तो आई नॉट, अगर वोल्टेज होगी तो वी नॉट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दी आई नॉट, यानी कि जो पीक वैल्यू होगी उसके करंट के लिए जो पीक वैल्यू होगी उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इंस्टेंटेनियस और पीक वैल्यू के बिटवीन मैथमेटिकल रिलेशन देखना चाहें और उसके लिए इक्वेशन देखना चाहें तो वो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह के, जो कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, ये करंट के लिए है और ये हमारे पास वोल्टेज के लिए है। तो थीटा को हमने रिप्लेस किया था ओमेगा टी से, और ओमेगा होता है 2πf के इक्वल। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन क्या थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन इंटू ओमेगा टी, और वी की क्या होगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब सोच अगर फ्रीक्वेंसी को आपने यहाँ पे लेके आना है तो ओमेगा की जगह आप 2πf लिखेंगे तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ जाएगी, सिमिलरली आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जो I है ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट है, और ये हमारे पास जो I नॉट है ये हमारे पास करंट की पीक वैल्यू है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली रिलेशनशिप बता रही है पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बिटवीन। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास नंबर टू स्टेप था। अब है थर्ड पे पीक टू पीक वैल्यू। अब पीक टू पीक वैल्यू कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, देखें अगर हमारी बुक में देखा जाए तो बुक में हमारे पास इस तरह का एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म दी गई है जिसमें हमने पीक टू पीक बतानी है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल वेवफॉर्म नहीं है तो फिर हम उस सिग्नल का पीक टू पीक कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव में पीक हमारे पास क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यहाँ पर पीक टू पीक कैसे लेंगे, ये जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसमें पीक वैल्यू कितनी आ रही है 10 एम्पेयर लेट कर लेते हैं, और इस सिग्नल में आप देखें कितनी आ रही है माइनस का 5 एम्पेयर। अब हमें चाहिए पीक टू पीक वैल्यू, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, लेकिन याद रखना है साइन को इग्नोर करना है। तो इस माइनस के साइन को आपने इग्नोर करना है, नेगेटिव साइन बेसिकली यहाँ पे आपके करंट की जो डायरेक्शन रिवर्स हो रही है ना उसको इंडिकेट कर रहा है। तो आपने इसकी मैग्नीट्यूड में ऐड नहीं करना नेगेटिव साइन, उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पर पीक वैल्यू कितनी है 10 और यहाँ पर कितनी है 5, तो एक तरह से मैं 10 प्लस 5 करूंगा तो मेरे पास 15 आएगा। तो ये जो 15 आया है ये पीक टू पीक वैल्यू है, यहाँ से पीक टू पीक वैल्यू क्या मिली आपको 15 एम्पेयर मिली। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास सिमेट्रिकल सिग्नल आता है इस तरह से जो कि हमारी बुक में भी दिखाया गया है, तो उसमें आप पीक टू पीक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, लेट करें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पीक वैल्यू है जिसका नाम ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको आई नॉट से, और यहाँ पे जो पीक वैल्यू आ रही है वो कितनी है माइनस का आई नॉट। अब यहाँ से आपने पीक टू पीक कैसे कैलकुलेट करना है, वही फार्मूला द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज, कि जितनी आपके पास पॉजिटिव पीक वैल्यू है और उतनी आपके पास नेगेटिव पीक वैल्यू, उन दोनों को सम कर दें। अब पॉजिटिव में कितनी पीक वैल्यू आ रही है आई नॉट, नेगेटिव में कितनी आ रही है आई नॉट, साइन को इग्नोर करना है। तो आई नॉट प्लस आई नॉट तो क्या आएगा 2i0। तो ये हमारे पास इस सिग्नल के लिए पीक टू पीक वैल्यू आ गई 2i0। फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब ये RMS वैल्यू की क्यों जरूरत पड़ गई है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और इसको आपने पूरी तवज्जो के साथ समझना है नंबर फोर वाले स्टेप को। सबसे पहले देखते हैं कि RMS वैल्यू की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई है, RMS हम लेते क्यों है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम को समझिएगा कि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि RMS वैल्यू लेते ही क्यों है तब तक आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा नंबर फोर वाला। तो इसीलिए पहले जानते हैं कि ये RMS वैल्यू हम क्यों लेते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में अगर देखें तो ये एसी सोर्स है, यहाँ पे बल्ब है, लेट कर लें कि ये जो एमीटर हमने यूज़ किया ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है करंट की। तो अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है तो आपने इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जैसे ही चार्ज फ्लो करेंगे करंट आएगा, तो ये वाला जो मीटर होगा ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की यहाँ पर शो करके दे रहा होगा। अब वो वैल्यू की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही होगी, कभी पॉजिटिव में वैल्यू आ रही होगी कभी नेगेटिव में, मतलब बढ़ भी रही होगी फिर कम हो रही होगी, फिर नेगेटिव में बढ़ रही होगी फिर नेगेटिव में कम हो रही होगी। तो ये काम बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे चल रहा होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड आपने अल्टरनेटिंग सोर्स अटैच कर रखा है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही होगी हर इंस्टेंट पे। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की देखना चाहते हैं तो वो आपके लिए फाइंड आउट करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए हर इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होगी, तो आपके लिए मुश्किल होगा कि यहाँ पर एक इंस्टेंट पर आप उसकी वैल्यू बताएँ। अगर मेरे लिए यहाँ पे मुश्किल है तो मैं एक और काम करता हूँ कि इसी सर्किट डायग्राम में यहाँ पे एक डीसी मीटर यूज़ करता हूँ, उसी सर्किट डायग्राम में इसको हटा के डीसी मीटर में यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैंने डीसी मीटर यूज़ किया तो अब मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पे चार्ज जब फ्लो करते हैं तो बल्ब रोशन रहता है, लेकिन ये डीसी मीटर कोई रीडिंग शो करके नहीं दे रहा। तो मेरे लिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि यार बल्ब रोशन है करंट जा रहा है लेकिन ये वाला मीटर रीडिंग नहीं शो करके दे रहा, 0.0 एम्पेयर की रीडिंग शो करके दे रहा है, तो ये क्या चक्कर है। असल में स्टूडेंट्स क्या था कि मैंने एसी सोर्स कनेक्ट कर रखा था जबकि जो डीसी मीटर होता है ये एवरेज करंट की वैल्यू को शो करके देता है, मतलब ये एवरेज करंट की वैल्यू को मेजर करके हमें बताता है, जबकि हमारे पास इस एसी सोर्स की वजह से एक साइकिल के लिए जो एवरेज करंट की वैल्यू आ रही है वो तो ज़ीरो आ रही है। कैसे ज़ीरो आएगी कि देखिए जितनी वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही हैं उतनी पॉजिटिव में कम, फिर जितनी नेगेटिव में बढ़ेंगी उतनी नेगेटिव में कम। तो अगर मैं एक साइकिल के लिए इन वैल्यूज़ का
टोटल एवरेज लूँ यानी कि वैल्यूज़ का सम करूँगा उतने पे नंबर ऑफ टोटल नंबर पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो एवरेज आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा ज़ीरो। जितनी वैल्यूज़ पॉजिटिव में बढ़ रही हैं उतनी कम हो रही हैं, फिर जितनी नेगेटिव में बढ़ रही हैं उतनी नेगेटिव में कम हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यूज़ का एवरेज लूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि ये जो डीसी मीटर है वो मुझे ज़ीरो रीडिंग इसीलिए शो करके दे रहा है क्योंकि यहाँ अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो डीसी मीटर तो एवरेज करंट की वैल्यू हमें बताता है, तो एवरेज करंट की वैल्यू इसके लिए एक साइकिल के लिए जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो तो ज़ीरो आ रही है, तो जिसकी वजह से ये डीसी मीटर हमें ज़ीरो रीडिंग शो करके दे रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मतलब मैं वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो मेरे जहन में फिर एक बात आती है कि ये जो बल्ब है ये कैसे रोशन है, करंट की वैल्यू ज़ीरो बल्ब रोशन है, इसका मतलब यहाँ पावर ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं उस पावर की तरफ गया, तो पावर्स की तरफ हम बाद में जाते हैं, पहले यहाँ पे इस पॉइंट के मुताबिक जो एवरेज करंट ज़ीरो है उससे रिलेटेड आपने एक इम्पॉर्टेंट MCQs याद रखना है। वो MCQs क्या है नोट कर लीजिएगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कम्प्लीट साइकिल इज ज़ीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने याद रखना है। तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे AC सोर्स के लिए एवरेज करंट की वैल्यू एक साइकिल की क्या आ रही है ज़ीरो, तो वहाँ पे मुझे ये बल्ब रोशन मिला। तो मैंने कहा ये बल्ब कैसे रोशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर एग्जिस्ट कर रही है। तो पावर की तरफ मैं जब जाता हूँ तो पावर इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई होता है, जब मैंने आई की जगह ज़ीरो लिखा तो पावर तो ज़ीरो है। तो मैंने कहा यार पावर तो यहाँ पे ज़ीरो आ रही है, लेकिन जब मैंने इसको हाथ लगाया वायर को तो मुझे करंट लगा, इसका मतलब मैं समझ गया कि करंट तो यहाँ पे है, हालांकि वहाँ पावर ज़ीरो आ रही थी। तो मैं पावर के दूसरे फार्मूले की तरफ गया, पावर का सेकंड फार्मूला क्या था I² × R। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है I का अगर स्क्वेयर ले लिया जाए तो फिर यहाँ से करंट हमें मिल सकता है। तो मैंने स्टूडेंट्स जैसे ही करंट का I का स्क्वेयर लिया तो मेरा करंट यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो रहा था। कैसे, देखिए जितनी वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव हैं इनका आप स्क्वेयर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू डबल हो जाएंगी, और जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वेयर लेंगे तो नेगेटिव को स्क्वेयर तो ख़त्म कर देगा, तो इसका मतलब वो वैल्यू भी डबल होके आ जाएंगी आपके पास। तो इस तरह से यहाँ पे करंट की वैल्यू आपके पास डबल आएगी, इसका मतलब करंट ज़ीरो नहीं हो रहा, तो स्क्वेयर लेने से करंट ज़ीरो नहीं हो रहा। तो यहाँ से मैं समझ गया कि यहाँ पर पावर ज़रूर है। तो इसका मतलब पावर के फार्मूले से मुझे एक चीज़ समझ आई कि अगर मैं यहाँ करंट का स्क्वेयर ले लूँ तो मैं ज़ीरो होने से बच सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले करंट की वैल्यू क्या आ रही थी एवरेज ज़ीरो, तो मैं ज़ीरो से बचना चाहता हूँ। तो मुझे किसकी तरफ हिंट मिला, आई का स्क्वेयर। अगर मैं स्क्वेयर ले लूँ तो इसका मतलब मैं ज़ीरो से बच सकता हूँ, लेकिन जब मैंने स्क्वेयर लिया तब मेरे पास वैल्यू तो डबल होगी, तो वो भी तो मेरे नुकसान में जा रही है। तो उसको कम करने के लिए फिर मैं क्या लूँगा, मीन लूँगा। जब मैंने मीन लिया फिर भी वो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी जो कि यहाँ से पास कर रही थी करंट की, तो इसका मतलब फिर मैंने उसको और कम करने के लिए मैंने उसका रूट ले लिया। जब मैंने रूट लिया तो मेरे पास वो वैल्यू एग्जैक्ट आई जो कि यहाँ से पास कर रही थी। अब उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं मैथामेटिकली, उसको यहाँ पर समझिएगा। स्टूडेंट्स ये मेरे पास वही साइकिल है कंप्लीट, इस कंप्लीट साइकिल में अगर हम एक क्वार्टर की बात करें तो वही क्वार्टर यहाँ पे फिर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा नेगेटिव में, फिर उसके बाद फिर आगे हमारे पास दोबारा आएगा, इसका मतलब तकरीबन यही क्वार्टर सेम आगे चलता जाएगा। तो मैं एक क्वार्टर के लिए उसकी RMS वैल्यू की बात कर लेता हूँ, तो आगे हमारे पास सिमिलरली वही केस चलता जाएगा। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है ज़ीरो और यहाँ पर क्या है मैक्सिमम। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे स्क्वेयर लूँ तो वो स्क्वेयर कैसे लेंगे, ज़ीरो का स्क्वेयर और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या है I0, तो I0 का स्क्वेयर। तो देखिए मैंने उन वैल्यूज़ का क्या कर लिया, स्क्वेयर ले लिया, पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि स्क्वेयर लेता हूँ तो वैल्यू डबल हो जाएगी जो कि मेरे नुकसान में जा रही है, तो मैंने फिर क्या किया मीन लिया, इस स्क्वेयर वैल्यू ऑफ द करंट का मैंने क्या लिया मीन लिया। तो मीन कैसे लेंगे, जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सम करके उतने पे डिवाइड कर दें, दो वैल्यूज़ हैं सम करके दो पे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास मीन वैल्यू आ गई, मीन स्क्वेयर वैल्यू आ गई करंट की। उसके बाद आप इस वैल्यू का आपने क्या लेना है, रूट लेना है, तो रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो इसी चीज़ का जब रूट लूँगा तो ये इक्वेशन बनेगी।
अब स्टूडेंट्स जीरो को अगर आई नॉट में ऐड करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आई नॉट का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आई नॉट बचेगा और अंडर रूट जो टू है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास आर एम एस वैल्यू आ गई करंट की, आई नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टू। अब स्टूडेंट्स इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 का आंसर क्या होता है 0.7 और ये वाला आई नॉट वैसे का वैसे ये जो ठहरा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास आर एम एस वैल्यू आ गई, मतलब जो पीक वैल्यू थी करंट की, जो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू है उसका 0.7 ऑफ द टाइम हमारे पास क्या आ रही है आर एम एस वैल्यू आ रही है। एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू का 70% जो है वो आपको आर एम एस वैल्यू मिलती है। तो आर एम एस वैल्यू क्या है 70% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसी तरह से अगर आपके पास वोल्टेज है तो वो भी आप लिख सकते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.7 ऑफ द वी नॉट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि आर एम एस वैल्यू बेसिकली हमें जीरो होने से बचाती है, ठीक है। तो अब अगर मैं उसी सर्किट की तरफ दोबारा आऊं और यहां पे मैं अगर सर्किट में एसी मीटर कनेक्ट कर दूं तो जो एसी मीटर मुझे रीडिंग शो करके दे रहा होगा वो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी करंट की, बल्कि वो मेरे पास आर एम एस वैल्यू होगी। लेट सपोज ये एसी सोर्स है, ये बल्ब है और यहाँ पे हमने एसी मीटर कनेक्ट कर दिया, वो एसी मीटर 2.5 एम्पेयर करंट की रीडिंग शो करके दे रहा है। अब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमने ये वाला ग्राफ लिया हुआ है ना एसी सोर्स के लिए, कितनी मैक्सिमम वैल्यू है 3 एम्पेयर, तो 3 एम्पेयर तो मैक्सिमम है, लेकिन ये जो एसी मीटर है ये हमें 2.5 एम्पेयर की रीडिंग शो करके दे रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी आर एम एस वैल्यू होगी। इसी तरह कोई भी आप मीटर जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर अगर ना लिखा हुआ हो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में तो फिर वो जितनी रीडिंग शो करके दे रहा होगा अगर आपका एसी सोर्स कनेक्ट है तो आप उसको आर एम एस वैल्यू ही समझेंगे, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ हो ऊपर आई नॉट तो फिर तो पीक वैल्यू ही होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर ना लिखा हुआ हो तो फिर वो जो भी वैल्यू देगा वो आपकी आर एम एस वैल्यू ही होगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमने आर एम एस वैल्यू को डिस्कस किया। अब छोटा सा आपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो आर एम एस वैल्यू आ रही है अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये डायरेक्ट करंट के साथ कैसे रिलेट करेगी। तो लेट करते हैं कि ये हमारे पास एक 3 एम्पेयर का सेल है, सिर्फ कंसीडर ही करना है। तो ये हमारे पास एक 3 एम्पेयर का सेल है, यहाँ पे हमने एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। अब 3 एम्पेयर वाले सेल के वजह से जो बल्ब की ब्राइटनेस होगी उतनी ही ब्राइटनेस इस केस में होगी जब आपने 3 एम्पेयर की जो पीक वैल्यू वाला सिग्नल है उसकी जो आर एम एस वैल्यू की वजह से जो ब्राइटनेस होगी बल्ब की वो उतनी होगी जितनी इस 3 एम्पेयर वाले सेल की वजह से है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सेल की वजह से जो 3 एम्पेयर का कांस्टेंट करंट है उसकी वजह से जितनी यहां पे बल्ब के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही 3 एम्पेयर वाली पीक वैल्यू के सिग्नल की जो आर एम एस वैल्यू होगी उसकी वजह से भी उतनी हीट इस बल्ब के अक्रॉस होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन यूज किया है कि जो डायरेक्ट करंट के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पावर की कंजम्पशन होगी वो उतनी ही पावर कंजम्पशन यहाँ पे होगी जो कि उसकी आर एम एस वैल्यू की वजह से होगी। तो आर एम एस वैल्यू का यहाँ पे जितनी भी पावर कंज्यूम होगी उतनी ही इस 3 एम्पेयर वाले करंट की वजह से होगी। तो इसीलिए हमने इनको इक्वल किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो आर एम एस वैल्यू हमने मैथमेटिकल डिस्कस की है इसी की हम अब ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करते हैं और उसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि DC मीटर और AC मीटर के बिटवीन जो कंपैरिजन है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास एक सिग्नल दिखाया गया रेड कलर का जिसकी वैल्यू में आपको नज़र आ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है वी नॉट से और वही हमारे पास पीक वैल्यू होगी वोल्टेज की। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस सिग्नल का हम स्क्वायर लेते हैं, यानी कि वी नॉट का जब स्क्वायर लेंगे तो वह हमारे पास ये ब्लू कलर वाला सिग्नल आएगा। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप इस नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव में डबल मिलेगा। तो इसीलिए ये वाला आपने नीचे ड्रॉ नहीं करना बल्कि इसको भी आपने पॉजिटिव में डबल करके मेंशन करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास ब्लू कलर वाला जो सिग्नल है ये कौन सा है, वी
not square, मतलब इस सिग्नल का जब आप स्क्वेयर लेंगे तो आपको ये वाला सिग्नल मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है कि हमने इसका मीन लेना है, यानी कि पहले स्क्वेयर फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड पे आपने क्या करना है, इसका मीन लेना है। तो मीन कैसे लेंगे, अभी हमने यहाँ पे आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया था कि मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज क्या आई थी, या मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ द करंट जो हमारे पास थी वो थी आई नॉट स्क्वेयर ओवर टू, इस तरह से लिया था ना आपने मीन। तो जो एवरेज आया था वो हमारे पास इस तरह का करंट का भी था और वोल्टेज का भी, तो ये हमारे पास क्या है, मीन स्क्वेयर है। तो मैं अगर इस स्क्वायर का मीन लूँ तो वो मेरे पास ये बनेगा, तो ये क्या आ गया, मीन स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं मीन स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये बनेगी, तो यहाँ पे ये हमने मेंशन कर दिए। तो ये तकरीबन जो ब्लू कलर वाला ग्राफ था या सिग्नल था वो यहाँ पे आपको एवरेज में यहाँ मिलेगा तकरीबन, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये क्या आ गया आपके पास, एवरेज आ गया या मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए इसका रूट, जब आप इसका रूट लेंगे तो आपको तकरीबन यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या है, आरएमएस वैल्यू को शो किया गया। आप वैल्यू निकाल सकते हैं जब हम यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज की वैल्यू को मेंशन करेंगे और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम की वैल्यू मेंशन करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग इसका मैक्सिमम रिजल्ट शो किया है, जो कि हमारे पास आरएमएस वैल्यू तकरीबन यहाँ पर बन रहेगी। तो वो कितना बनेगी, इस पीक वैल्यू का 70%। तो यहाँ पे देखें, लेट करें अगर यहाँ पे 100 है तो ये तकरीबन उसका 70% बन रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आरएमएस वैल्यू क्या आ रही है, 0.7 ऑफ द पीक वैल्यू, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 70% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इस तरह स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास फिजिकल इंटरप्रिटेशन थी। यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड होता है, लेकिन जाते जाते हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट और एनी टेस्ट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक MCQs है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो मिनिमम कब होता है और मैक्सिमम कब होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल में तब होगा जब आप इस पीक वैल्यू के नियरर होंगे, जब आप पीक वैल्यू के करीब तर पहुंच रहे होंगे ना, उस पॉइंट पे या उस इंस्टेंट पे हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि ये पीक है ना अगर सिग्नल में, तो इसके करीब करीब जब आप पहुंच रहे होंगे तो उस इंस्टेंट पे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ AC जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तब होगा जब यहाँ पे करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। जिस इंस्टेंट पे वो डायरेक्शन रिवर्स कर रहा होगा उस टाइम हमारे पास या उस इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ AC होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड नंबर पे है कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए आपने याद रखना है कि जो हमारे पास पीक वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की वो ग्रेटर होती है आरएमएस वैल्यू से, और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू से हमेशा ग्रेटर होगी। तो ये भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, MCQs में पूछी जा सकती है। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर DC मीटर और AC मीटर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि DC मीटर का जो नेम है वो हमारे पास मूविंग कॉइल है, और AC मीटर का जो हम नेम यूज़ करते हैं वो क्या है, हॉट वायर। इसी तरह जो DC मीटर है वो बेस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट पे, और AC मीटर जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पे बेस करता है। इसी तरह थर्ड नंबर पे क्या है जी, DC मीटर रीड्स करता है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को, और इसी तरह हमारे पास जो AC मीटर है वो RMS वैल्यू को रीड करता है। अगर आप इसके अलावा फोर नंबर पे एक पॉइंट डिफ्लेक्शन का याद करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि DC मीटर जो है उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और इसी तरह जो AC मीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हीट के। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।